वेलकम वंस अगेन दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त पूनम और एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। कमेंट आपने पढ़ लिया होगा थंबनेल पे, बड़ा मजेदार सा कमेंट है यार। एक बार फिर से मैं आप लोगों को पढ़ के सुनाती हूँ क्योंकि ये समस्या तो हर टीचर को फेस करनी पड़ती है। ऐसे नहीं, प्राइमरी सीनियर हर क्लास इवन कॉलेज लेवल पे भी टीचर को ये समस्या का सामना करना पड़ता है। कमेंट है जी, आई एम अ प्राइमरी टीचर, शोर मचाती हुई क्लास को जब चुप कराने के लिए मैं आवाज निकालती हूँ तो मेरी आवाज शोर में सुनाई नहीं देती है और बच्चे चुप भी होते हैं तो सिर्फ 2 मिनट के लिए, देन अगेन फिर से शोर शुरू कर देते हैं। मेरे गले की बैंड बज जाती है, मैं क्या करूं? पता है किस चीज की समस्या नहीं है, सबकी है। आपको इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस हाँ कुछ नुस्खे अपना लीजिए, डेफिनेटली आपका गले की बैंड बिल्कुल नहीं बचेगी। एक तो आप अपने गले की एक्सरसाइज करिए, यानी चीखने चिल्लाने का आपका एकदम जन्म से अधिकार हो जाना चाहिए अगर आप टीचर बन गए। डेफिनेटली यार छोटे बच्चों को पढ़ाते लिए आपको चिल्लाना ही पड़ेगा, आप कितनी भी प्यार ये वो सब कर लो, बट एट टाइम ऐसा होता है कि बच्चे शोर मचा रहे होते हैं और आपको उनके ऊपर चिल्लाना पड़ता है, पूरी क्लास के ऊपर चिल्लाना पड़ता है कि शांत हो जाओ। बट उस स्थिति में अपने गले को खराब करने की जगह आपके पास डस्टर होगा, आपके पास टेबल होगी, आप जोर से वो डस्टर जो है टेबल में मार लीजिए, यानी वो आवाज जो है ना वो एक बेंचमार्क बन जाना चाहिए कि अच्छा ये आवाज का मतलब मैम हमें शांत होने के लिए कह रही है, तो डेफिनेटली बच्चे जो है वो शांत हो जाएंगे। और चिल्लाने की जगह अब बस गुस्से से ऐसे कहते हैं आई वॉन्ट पिन ड्रॉप साइलेंस, काफी है। मतलब आप जानते हैं 2 से 4 मिनट के लिए इस एक्टिविटी से वो शांत बैठ जाएगी। मैंने पहले भी शेयर किया है कि मैं क्या करती हूँ अपने बच्चों के साथ, मेरे तो बिल्कुल देहाती बच्चे, गांव के बच्चे, सोचो सरकारी स्कूल के बच्चे कितने बहुत प्यारे हैं। बट हाँ जो एक्टिविटी मैंने उन्हें बता रखी है वो मैं डेफिनेटली पहले भी आप लोगों के साथ शेयर करी है कि सिट स्ट्रेट, ये मुझे बोलना होता है जब वो शोर मचा रहे हैं। मैंने उन्हें बता रखा है सिट स्ट्रेट, जैसे ही मेरे मुंह से निकलेगा आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं कहीं भी क्लास के किसी कोने पे किसी से कुछ मांग रहे हैं दे रहे हैं जो भी कर रहे हैं सब छोड़ के आपको एकदम बैकबोन अपनी सीधी करके एकदम पन के सिट स्ट्रेट बैठ जाना है। रिलैक्स बोलूंगी तो आप सीधे हो जाएंगे, सिट स्ट्रेट रिलैक्स ये एक्टिविटी है। इट मींस उस वक्त आपको बिल्कुल आंख की पुतली भी नहीं हिलानी है, ये एक एक्टिविटी है क्लास में जो नॉर्मल बच्चे कर लेते हैं दिन में, मतलब मजा भी आता है उन्हें। जैसे मैंने बोला सिट स्ट्रेट रिलैक्स, सिट स्ट्रेट रिलैक्स, 2-4 बार जब वो एक्टिविटी करते हैं तो उन्हें मजा आता है। अगर मुझे फिर भी उन्हें शांत करना होता है फिंगर ऑन योर लिप्स, दैट्स ऑल। कुछ टाइम के लिए वो इस एक्टिविटी को करते हैं, मतलब थोड़ी देर के लिए वो लोग शांत रहते हैं। बट बच्चे हैं, उन्हें क्या पता कि दुनिया में इतने सारे जरूरी काम है, उनकी मास्टरनी जो है उतने जरूरी जरूरी काम कर रही है तो उन्हें इससे कोई मतलब नहीं है। उनके पास काम है बातें करना, शैतानी करना, जिसका उन्हें जन्म से अधिकार है। तो उसके लिए बेटर होगा उन खुराफातियों को आप काम दे के रखिए ना, आप किसी भी ऐसे काम में एंगेज करके रखिए कि वो अपनी उन शैतानियों को ना कर पाए, एटलीस्ट चिल्लाने में ना कर पाए। कोई कॉमन वर्क प्राइमरी क्लास के लिए कह रही हूं, आप पोएम बुलवाइए खड़े होकर किसी बच्चे को बारी बारी से मॉनिटर, तो छोटे बच्चे भी बनना शुरू हो जाते हैं, बहुत समझते हैं मॉनिटर की बात, मतलब क्या सीन है मॉनिटर का। तो मॉनिटर आपने खड़ा कर दिया, वो मॉनिटर नहीं बोलेगा, वो मॉनिटर सिर्फ ऑब्जर्व करेगा कि कौन शैतानी कर रहा है और आपको उसका नाम बताएगा। आपको दूसरे बाकी रो वाइज बच्चे, रोल नंबर वाइज जैसे भी आप चाहें, आपको बुलवाना है उन बच्चों को। बहुत मतलब एक पॉजिटिव एक्टिविटी, आप जो बच्चों के अंदर स्टेज फियर की भावना या फिर बच्चे नहीं बोल पाते ग्रुप में, वो सब चीजें भी इससे धीरे धीरे कम होगी, प्लस बच्चे जब रिकॉल करेंगे चीजों को तो उनकी नॉलेज जो है वो भी एम्पायर होगी। तो ये सब चीजें करिए ना, तो डेफिनेटली आप उन्हें खाली छोड़ोगे तो वो आपको दुखी करेंगे, आपका कौन पिएंगे, आपको उन्हें खाली नहीं छोड़ना है। अच्छा अपने दिल पे हाथ रखे बताइए कि आप पढ़ाते हो, आप मन से पढ़ा रहे हो, आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो। मन से का मतलब ये नहीं कि आप तो मन से पढ़ा रहे हो और बच्चे उसमें बोर हो रहे हैं, बट अगर आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो क्या आपके बच्चे तब भी उतना ही शोर मचाते हैं? नहीं ना, उस वक्त वो आपको सुनते हैं, उस वक्त वो आपके साथ मजे करते हैं, आप उन्हें कोई पोएम याद करा रहे हो झूम झूम के मस्ती करके, तो डेफिनेटली वो उसमें एंजॉय करते हैं। तो बस उन्हें आपको खाली नहीं रहने देना है। अब ये तरीके आपके हाथ में है कि आप उन्हें बिजी कैसे रखते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये सुझाव आपको समझ में आया होगा, आपके काम का लगा होगा। लगा है तो वीडियो को लाइक करो ना, फिर वेट किस बात पे है। और हाँ चैनल को सब्सक्राइब कर दिया, कम्युनिटी का पार्ट बन गए ना, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आपने चैनल पे आया, आपने मुझे सुना इतना।